तो इस तरीके से अगर आप टैग लिखते हैं ना, तो आपको तो आप तो अपने दिमाग से लिखते हैं, लेकिन लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि जिससे आपके वीडियो में व्यूज नहीं जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते आपकी वीडियो। तो अच्छी होती है, टाइटल भी अच्छे होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी अच्छे होते हैं, टैग भी आप अपने हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन लोग पहुंचेंगे नहीं तो वीडियो कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ, वीडियो टाइटल से भी वायरल होती है, वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी वायरल होती है, और टैग से भी वायरल होते हैं। दोस्तों, अक्सर काफी यूट्यूबर्स के मन में ये सवाल होते हैं कि क्या सच में टैग डालने से वीडियो वायरल होता है या फिर नहीं होता है, और सबसे ज्यादा ये नए यूट्यूबर्स के मन में सवाल होता है। क्योंकि दोस्तों, आपने काफी सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज भी देखे होंगे जिसमें कोई टैग नहीं होता है, फिर भी वो वीडियो जो है सो वायरल हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आप जो है ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि टैग किस तरीके से डालने से यहाँ पे वीडियो वायरल होती है, या फिर टैग आप डालेंगे या फिर नहीं डालेंगे, कितने परसेंट जो है यहाँ पे टैग डालने से फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जो है अपने यहाँ पे टैगिंग को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो के एडिटिंग में मैं गया, यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल डाला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। अब मैं टैग वाले सेक्शन को ओपन करता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है टैग्स डाले हुए हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने ही दिमाग से यहाँ पे टैग लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि लिख दिया, अगर किसी टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप के टॉपिक पे आप वीडियो बना रहे हैं, व्हाट्सएप न्यू ट्रिक, तो आपने खुद से ही लिख दिया व्हाट्सएप न्यू ट्रिक, व्हाट्सएप न्यू फीचर, व्हाट्सएप। तो इस तरीके से अगर आप टैग लिखते हैं ना, तो आपको तो आप तो अपने दिमाग से लिखते हैं, लेकिन लोग क्या सर्च कर रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है। और इससे क्या होता है कि जिससे आपके वीडियो में व्यूज नहीं जाते हैं, लोग पहुंच नहीं पाते आपकी वीडियो। तो अच्छी होती है, टाइटल भी अच्छे होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी अच्छे होते हैं, टैग भी आप अपने हिसाब से लिख देते हैं, लेकिन लोग पहुंचेंगे नहीं तो वीडियो कैसे देखेंगे। तो टैग डालने का असली तरीका क्या होता है, और टैग डालने से कितने परसेंट का फायदा होता है, ये आज के इस वीडियो में सबसे पहले सीख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ, वीडियो टाइटल से भी वायरल होती है, वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी वायरल होती है, और टैग से भी वायरल होते हैं। जिन वीडियो में टैग्स नहीं होते हैं, उन वीडियो के टाइटल से भी वीडियो वायरल हो जाती है। जिन वीडियो के टाइटल अच्छे नहीं होते हैं, डिस्क्रिप्शन से भी वीडियो वायरल हो जाती है। अगर आप सही तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, लोगों के सर्च के मुताबिक अगर आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो उससे भी वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आप तीनों चीज सही कर देते हैं, टाइटल भी आप सर्चेबल लिख देते हैं, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अच्छे तरीके से लिख देते हैं, और अगर आप टैगिंग भी अच्छे तरीके से कर देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा व्यूज आने के चांसेस रहते हैं, वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि टैग आखिर हम डालें कैसे। तो यहाँ पे मैं टैग डालने का आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पे हमें किसी भी टॉपिक को चुन लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ न्यू व्हाट्सएप ट्रिक 2022। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए कि ये मेरा टॉपिक है। मैंने अपने टॉपिक को यहाँ पे सर्च कर दिया। आपकी जो भी टॉपिक हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, आपका टेक से रिलेटेड हो, ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, जो भी आपको टॉपिक हो, यहाँ पे आप जो है व्हाट्सएप ये जो है गूगल में सर्च कर दें। अब दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो यहाँ पे मैंने आपको पहले एक चीज बताई कि पीपुल Also ask, ये जो चीजें आती हैं, जैसे कि गूगल आपको बताता है कि लोगों ने यह पूछा है, ठीक है, तो लोगों ने यह पूछा है, इस चीज को मैंने बताया था कि योर क्वेरीज करके आप जो है डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं वन बाई वन। जितने मिनट की आपकी वीडियो है, उतने यहाँ पे जो है आप टैगिंग कर सकते हैं, इस तरीके से जो है इन टाइटल्स को आप अरेंज करके लगा सकते हैं। ठीक है, तो इससे काफी लोगों को फर्क हुआ, काफी लोगों को फायदा हुआ। लेकिन ये पीपुल अल्सो आस्क तो है ही, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, पीपुल अल्सो सर्च फॉर, मतलब कि गूगल आपको बताता है लोग यहाँ पे सर्च कैसे कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज है कि पीपुल अल्सो आस्क, मतलब लोगों ने पूछा है, ठीक है, लोगों ने पूछा है, इस चीज को हम योर क्वेरी करके हम डिस्क्रिप्शन में वन बाई वन लगाते हैं, जैसे मैं अपने वीडियो में लगाता हूँ, आप जाके देखिएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये चीजें अगर आप करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन से क्या होता है कि YouTube का जो एल्गोरिथम है, YouTube का जो सिस्टम है, वो डिस्क्रिप्शन को कैच करता है कि अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपने ये चीजें जो है बताई हुई है, वो आपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो डिस्क्रिप्शन से भी वीडियो वायरल होता है। कभी कभी डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं होता है, अगर आपने सर्चेबल टाइटल लिख दिया, उससे भी वीडियो वायरल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको टैग कैसे डालना है, वो चीज यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपुल अल्सो सर्च फॉर, जैसे कि आपने टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं पीपुल अल्सो सर्च फॉर, मतलब कि लोगों ने यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है भैया, यहाँ पे व्हाट्सएप हैक 2022, व्हाट्सएप न्यू हैक 2021, हाउ टू चेक समवन व्हाट्सएप ट्रिक, ये सारी चीजें जो है लोगों ने यहाँ पे सर्च किए हैं। लोग यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, व्हाट्सएप हैक 2022। अब दोस्तों, लोग तो यहाँ पे सर्च करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ ऐसे टैग्स का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हैक 2022, तो यूट्यूब की नजर में आप उसे लगेगा कि आप हैकिंग बता रहे हैं।
हैकिंग सिखा रहे हैं, यूट्यूब का एल्गो पकड़ेगा कि आपने जो है हैकिंग से रिलेटेड चीजें डाली है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा वर्ड, लोग तो सर्च जो कर रहे हैं वो आपको गूगल दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है ये लोगों ने सर्च किया है। गूगल का काम है दिखाना कि ये चीजें जो है सो सर्च हो रही है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप टैग लगा रहे हो वो YouTube के algorithm, YouTube की पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे हैकिंग जो है YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है, तो यहाँ पे आपको हैक छोड़ के, जैसे कि अगर आप WhatsApp की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आपकी अदर टॉपिक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि WhatsApp हैक 2022 सही से आपको नहीं यूज़ करना, WhatsApp हैक 2021 सही से नहीं यूज़ करना। यहाँ पे हाउ टू चेक समवन WhatsApp ट्रिक, ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉप 5 WhatsApp ट्रिक, WhatsApp ट्रिक 2021, इस टाइप के टैग्स को आपको यहाँ से डायरेक्टली इस तरीके से कॉपी करना है और कॉपी करके आपको जो है अपने टैग में डालना है। अब यहाँ पे होगा क्या, गूगल क्या करेगा, जैसे ही कोई किसी ने सर्च किया, जैसे ही सर्च करेगा, जैसे गूगल में भी काफी लोग सर्च करते हैं, यूट्यूब भी गूगल से ही चलता है, YouTube पे भी तमाम जितनी चीज़ें भी सर्च होती हैं वो गूगल के थ्रू ही होती हैं, बिना गूगल की कोई चीज़ यहाँ पे सर्च नहीं होती है। अब दोस्तों जैसे ही कोई सर्च करेगा तो आपकी वीडियो यहाँ पे रैंक करेगी, किस तरीके से रैंक करेगी, जैसे इनकी वीडियोज़ रैंक कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ में कि यहाँ पे 2022 न्यू व्हाट्सएप ट्रिक एक दिन पहले डाला है लेकिन यहाँ पे रैंक कर रही है, 7 जनवरी 2022 को डाला है ये रैंक कर रही है, 5 जनवरी 2022 को डाला है ये रैंक कर रही है। ये सारी YouTube के वीडियोज़ हैं लेकिन गूगल में यहाँ पे सर्च हुए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा है, सर्च में आ रहा है। तो आप कोई इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट YouTube पे पहुंच जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे YouTube पे पहुंच गया। अब दोस्तों जबकि ये जो है ये देख सकते हैं कि ये हिंदी लैंग्वेज में भी नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो है गूगल में सर्च में आ रही है। तो आपको टैग का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। कुछ वीडियोस कैसे वायरल हो जाती हैं बिना टैग की, वो भी यहाँ पे बात समझ लीजिए। उनकी वीडियो टाइटल से वायरल हो जाती है, अगर उस टॉपिक पे कम वीडियोज होते हैं, भले ही टैग डाले ना डाले, अगर टाइटल सही तरीके से डाल देते हैं तो टाइटल से फिर वीडियो वायरल हो जाता है। अगर डिस्क्रिप्शन में आपने योर क्वेरीज करके, जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीपल ऑल्सो आस्क का ऑप्शन आता है, ठीक है, ये पीपल ऑल्सो आस्क अलग चीज है और पीपल ऑल्सो सर्च फॉर मी अलग चीज है। ये आपको टैग में इस्तेमाल करना है, पीपल ऑल्सो सर्च फॉर, और यहाँ पे जो पीपल ऑल्सो आस्क है इसे मैं कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में योर क्वेरीज करके, मतलब लोगों ने जो पूछा है सवाल उसको करके यहाँ पे इसे जो है मैं मेंशन करने के लिए बोलता हूँ। इससे दोनों चीजें होती हैं, पहली चीज क्या होती है कि आपकी डिस्क्रिप्शन से ही वीडियो वायरल होने के चांस रहते हैं और आपके टैग से भी वीडियो वायरल होने के चांस रहते हैं। और मैं टाइटल तो आपको बताता ही हूँ कि हमेशा जो है सर्चेबल टाइटल डाला है, सर्च के बिना कोई भी टाइटल नहीं चलता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना डालें, सिर्फ टाइटल भी डालें और उस टॉपिक पर अगर कम वीडियोज़ हों तो वो भी वीडियो आपकी वायरल होने के चांस रहते हैं। तो ये दोस्तों था तीनों तरीका, वायरल आपका टाइटल से भी होता है, डिस्क्रिप्शन से भी होता है, टैग से भी होता है। अगर ये तीनों चीज़ें आप अच्छी तरीके से डालते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने के 100% चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आई होप ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि टैग का क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्क्रिप्शन का क्या इंपॉर्टेंस है और टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और YouTube रिलेटेड टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।